हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। आज मैं लेकर के आई हूँ शाम के बाद का अपना रूटीन, कैसे मैं क्या मैनेज करती हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था कैसे मैं शाम को क्लासेस करती हूँ, फिर उसके बाद से मैं प्रमोशन करती हूँ, वहाँ पर मैंने पिछले ब्लॉग में ख़त्म कर दिया था। तो नया ब्लॉग है, ये लेकर के आई हूँ कैसे कैसे मैं प्रमोशंस करती हूँ, उसके बाद मेरा क्या रूटीन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी आईज का मेकअप केसरिया और ग्रीन, तो मैंने अभी साड़ी का, तिरंगा साड़ी का प्रमोशन किया शाम को जल्दी जल्दी, और उसके बाद से मैंने साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ प्रमोशंस करने हैं। तो मैं बच्चों को खिला पिला के रात में करूँगी मेकअप, क्योंकि मेरा है फिट है, तो लगा कि नहीं अभी कंटिन्यू करना चाहिए, तिरंगा पहन के करने में अच्छा नहीं लगता मुझे प्रमोशन, इसलिए मुझे पहले किचन में आना पड़ा। किचन में मैं आज क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको बताऊँगी, आज का क्या मेरा डिनर रहेगा, बच्चों को क्या पसंद है, आज क्या बनाती हूँ खास, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की सब्ज़ी मैं ये बनाने वाली हूँ काबुली चना। मैंने दिन भिगोए थे, आधा किलो ज़्यादा लग रहे थे मुझे, तो मैंने वो बचा दिए थे फ्रिज में, इसको फिर से मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया। साथ में कुछ अंकुरित चने थे, ये भी मैंने रख दिया है। अब इसमें मिलाऊँगी मैं आलू, तो मैं काबुली चना, ये काले चने और आलू को छील के काट के इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बताऊँगी कैसे। अब मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ, आलू छील के जल्दी मैं काट लूँगी। देख सकते हैं मेरा किचन एकदम छोटा सा है क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है मेरा, यहाँ किचन बड़े छोटे छोटे से हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी। तो ये मैंने 3-4 आलू लिए, छील के काट लिए जल्दी से। अब मैं इनको धुल लूँगी खूब अच्छे से, पहले काबुली चने धुले थे लेकिन फिर से मैंने धुला। अब यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, लहसुन, मिर्च, ये काट के थोड़ा सा किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो ये मैं छोटे छोटे प्याज हैं, तो मैंने 3 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, लहसुन है ये, और चाहे तो आप पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन रात में मैं पीस के नहीं डालती हूँ। ये कुकर में मैंने डाला सरसों का तेल, कुकर में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ जल्दी से बन जाती है, तो कुकर में ही डाला सरसों का तेल, हींग, जीरा जो कि मेरा फेवरेट है, उसके बाद वो प्याज, लहसुन, मिर्च डाल दिया, 2 तेज़पत्ते डाल दिए। अब ये प्याज भुन जाएंगे तो उसमें मैं डालूँगी सारे मसाले, जो भी मसाले यूज़ किए जाते हैं अच्छे से भून लें प्याज को, तो हल्दी, धनिया, गर्म मसाला, सब्ज़ी मसाला और छोले मसाला, ये बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फिर सब डाल के जो सब्ज़ी का स्टफ है उसमें टमाटर, धनिया पत्ती, नमक डाल करके उसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। भूनते वक्त ही मैं जल्दी से आटा गूँथ लेती हूँ, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, उधर जब तक सब्ज़ी भुनेगी इधर मैं आटा गूँथ लूँगी। जो सामने आप वॉल देख रहे हैं वो सीमेंटेड वॉल है, उस पर मैंने पेंट करवाया था, तो शुरू शुरू में तो बड़ा सुंदर लग रहा था, अब क्या सीमेंट पर वो कुछ भी दाग, तेल के दाग, हल्दी के दाग जाते हैं तो वो छूटते ही नहीं है। अब मुझे उसमें कुछ करवाना पड़ेगा, देखते हैं क्या करवाते हैं, काफ़ी दिन हो गए उसको, 6 महीने हो गए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब मैं सीटी लगाने के लिए रख दूंगी। यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा डाला ताकि वो गल जाए। आपने देखा कैसे मैंने एक सब्ज़ी भी बना ली, इतना आटा गूँथ के रख लिया है। आटे की मेरी ट्रिक यही होती है, मैं फटाफट गूँथ के उसको रख देती हूँ 15 मिनट रेस्ट करने को, खूब नरम रोटियाँ बनती हैं, मेहनत क्यों करना है इतनी ज़्यादा। हाँ, तुरंत बनाना हो तो अच्छे से गूँथना पड़ता है, वरना मैं ऐसे गूँथ करके रख दे रही हूँ, जब तक सीटियाँ लगेंगी उधर आटा भी मेरा सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही डो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, बस सीटियाँ लगते ही एक तरह मैं रोटी बनाऊँगी और फटाफट सबको सर्व कर दूँगी। मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी, आटा थोड़ा सा गीला हो गया था मुझसे, जानबूझ के गीला मारती हूँ मैं, सॉफ्ट रोटियाँ बनती लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया था, पर कोई बात नहीं, आई एम एक्सपर्ट। सब्ज़ी देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सब्ज़ी है। उधर उसको ढक्कन थोड़ा सा खोल दिया ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। अब मैं जल्दी रोटियाँ बनाऊँगी, कुछ रोटियाँ गोल बनी, कुछ गोल नहीं बनी क्योंकि थोड़ा सा आटा गीला था, और जल्दी में ही बनाती हूँ मैं। और अब रोटियाँ सब लेकिन फूलेंगी, सब पहली रोटी नहीं फूली लेकिन फिर फूलेंगी, और मैं आज पे ही अभी भी रोटियाँ सेकती हूँ। कई लोग मना करते हैं कि आज पे नहीं सेकना चाहिए, पर मैं आज पे बहुत हल्का सेकती हूँ, आज पे ज़्यादा नहीं सेकनी चाहिए क्योंकि मैं बचपन से मम्मी को ऐसी रोटी बनाते देख रही हूँ। हाँ, कई लोग क्या रोटी में काले काले निशान ले आते हैं, वो नुकसानदायक होते हैं और वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो रोटी को तवे पे अच्छे से सेक लें और हल्का सा फुलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप आज का, और अगर आप तवे पे कंफर्टेबल है तवे पे करिए, लेकिन मुझे आदत ऐसे ही पड़ चुकी है तो मैं अभी गैस पे फुलाती हूँ। तो ये मेरी रोटियाँ बन गई, थोड़ा सा आटा मैंने अभी छोड़ दिया कि मान लो रोटी कम पड़े, और अभी फ़िलहाल मैंने हल्का हल्का गैस को पोछा है, जो बर्तन गिरा था या आटा गिरा था, क्योंकि गैस को तुरंत गर्म गर्म नहीं पोछा जाता, ऐसा कहते हैं, ऐसा मम्मी कहती है तो मैं वो फॉलो करती हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ, 3 थाली, पहले रोज़ और हस्बैंड की निकालूंगी, मन की थाली निकालूंगी, फिर आशी को मैं खिलाऊंगी, लास्ट में खुद खाऊंगी, हमेशा मैं लास्ट में खाती हूँ, पहले रोज़ को और रोज़ के पापा को मैं देती हूँ, दोनों लोग साथ में खाते हैं, उसी समय मैं आशी को खिलाती हूँ और लास्ट में मैं खुद खाती हूँ, मुझे इत्मीनान से खाने की आदत है।
साथ में खाने में तब मज़ा आता है जब बच्चे रेस्टोरेंट में होते हैं, अपने हाथ से खाते हैं। घर में तो बदमाश अब मेरे हाथ से ही खाएंगे और पापा के हाथ से ही खाएंगे, या फिर आशी की दूध रोटी, क्योंकि वो रात को मिर्च की सब्ज़ी खाती नहीं है, उसकी दूध रोटी। और हस्बैंड को और बेटी को खाना दे दिया और तब तक गैस ठंडी हो गई, गैस को चमका दिया मैंने अच्छे से, फिर मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। मेरा हमेशा यही रहता है, इन लोगों को खाना खिलाया, आशी को खाना खिलाया, फिर गैस साफ़ की, उसके बाद मैं आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। क्योंकि बर्तन अब जो हैं वो छोड़ देती हूँ मैं, थोड़े ही हैं जो भी खाने के निकले हैं, वो सुबह मेरी हेल्पर साफ़ करती है, उसके पहले कि मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ दोपहर के बाद के। तो ये गैस चमक गई है। तो अभी मैंने सबको खाना पीना खिला दिया, खुद भी खा लिया, आपने देखा सब लोग खा चुके खाना, और अब किचन साफ कर दिया है। बच्चों को बस दूध देना बाकी, थोड़ी देर बाद रुक के दूंगी। तब तक मैं कोलैबोरेशन है कुछ, दो पैकेट्स हैं अलग अलग टाइप के, तो उनमें से कोई एक का करूँगी जो पहले मुझे रिसीव हुआ है, करके वीडियोस रख लूँगी ताकि कल मैं पोस्ट कर सकूँ उसको बारी बारी करके, इसलिए मैंने अपनी चेंज नहीं किया था। तो ये था मेरा आज रात का रूटीन, कैसे हम लोग करते हैं मैनेज। तो हम लोग भी आपकी तरह ही नॉर्मल होते हैं, बस मैनेजमेंट की बात होती है, कैसे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट होता है, और ये क्योंकि काम है एक तरह से आपको एंटरटेन करना, थोड़ी मोड़ी हमारी सर्निंग भी होती है, इसलिए हम लोग इसको पूरा दिल से जान से करते हैं। तो बस इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी इस व्लॉग की, और थोड़ी देर में लाइव भी कर दूँगी, और उधर करूँगी मैं प्रमोशन का कुछ अनबॉक्सिंग करूँगी, और उसके बाद से बच्चों को सुनाने, क्योंकि अभी लोग बहुत सो लिए हैं, वरना अब तक पहले ही लोग सो जाते फिर मैं प्रमोशन करती। मेरे कान का इयर रिंग गायब कर दिया तुमने आशीष, इधर क्या हो? और क्योंकि आज ये लोग सो लिए हैं, दोपहर बहुत ज़्यादा 3 घंटे सो लिए, तो मैं 12 बजे तक, हम लाइक 5-4 बजे सोए थे, 7 बजे उठी, 7 बजे उठे। बताए हम कैसे सोए थे, कितने घंटे हुआ? एसएमआर देख रहे थे हम 3 घंटे। हाँ तो हमने क्या बोला, पता नहीं क्या बोला, 4 घंटे। तो बस यही था मेरा रूटीन। तो ये वो पैकेट्स हैं, और एक पैकेट उधर है जिसकी मैं ओपनिंग अभी करूँगी। बच्चे बीच में बदमाशी करने का मौका एक भी नहीं छोड़ते हैं, सब लोग खा पी चुके हैं, अपने रूम में चले गए हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और चाहूँगी आप सबका ढेर सारा प्यार। ये वीडियोस बनाना हम सबकी हॉबी होती थी और हॉबी है, और हॉबी के साथ साथ प्रोफेशन बन चुका है, ये तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा। तो आपको एंटरटेन करना हमें बहुत खुशी मिलती है, अगर आप एंटरटेन होते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं, तो हम लोग सब कुछ मैनेज करते हैं और घर का सारा काम करते हैं, A to Z जो नॉर्मली करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम फैमिली के साथ नहीं रहे हैं, हम फैमिली के साथ रह के ही हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था और सब कुछ मैनेज किया। और आज की डेट में भी हमारे घर में लोग आते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ शूट करें हम लोग। ऐसा नहीं कि हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं आते या हम माँ बाप के पास नहीं जाते हैं, सब कुछ होता है हमारी लाइफ में। तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, आप लोग की तरह ही सब कुछ वैसा ही होता है। बस थोड़ा सा अलग ये होता है कि हमें जुनून है कुछ करने का, एक हॉबी है तो हम लोग मैनेज करते हैं। वही घर परिवार, बच्चे, खाना पीना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ होता है वैसे ही जैसे आप करते हैं। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, थोड़े से ओपनिंग करूँगी, बच्चों के साथ जाऊँगी, आधे घंटे उनसे बातें बातें करूँगी, क्या आज पढ़ा, क्या किया वो करूँगी, क्योंकि पढ़ाई शाम को उन्होंने कर ली थी, उनकी सारी तैयारी हो चुकी है जो भी कल उनका टेस्ट है। तो बस ये था आज का मेरा शाम का रूटीन, रात का रूटीन इनफैक्ट। ऐसे ही मैं लेते आऊँगी हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोज़, आप लोग के रिक्वेस्ट पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो लाऊंगी ज़रूर। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।